सिंध में सैलाब की एक और खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। 24 घंटे में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। अम्बाद 492 तक पहुंच गई। मंचर झील को कट लगा दिया गया। 5 यूसीज में सैलाब का खतरा। ठट्टा की यूसीज शोरों में पानी दाखिल। मेहर जोही में सैलाबी सूरत हाल। कोसा भीम नहर में 70 फिट चौड़ा शगाफ। कुनकोट में सिंधु दरिया के 22 कच्चे के इलाके डूब गए। सिंध को एक और बड़े सैलाब का खतरा। दादू सहवन ठट्टा में सैलाबी सूरत हाल। मंचर झील को बाघ यूसुफ के करीब कट लगा दिया गया, जिसके बाद 5 यूनियन काउंसिल्स में सैलाबी सूरत हाल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ठट्टा की यूसी सोफ शोरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मुतादिद गांव जेरे आब। राजू निजामानी गाँव में घरों में 4 से 5 फुट पानी जमा। लोगों में खौफो हिरास। अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर नकल मकानी शुरू कर दी। जूही शहर के चंद इलाकों में भी आबी रेला दाखिल हो गया। दादू मेहर और जूही में हर तरफ पानी ही पानी। रिंग बंद पर पानी का दबाव मजीद बढ़ गया। एमएमवी ड्रेन में भी पानी का दबाव तेज। शहर के डूबने का खतरा बढ़ गया। लाड़काना की खोसा भीम नहर में 70 फुट चौड़ा शिगाव। पानी मीरो खान शहर की तरफ बढ़ने लगा। कंधकोट में सिंधु दरिया के 22 कच्चे के इलाके डूब गए। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके खाली करा लिए गए। 24 घंटे में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। अम्बाद 492 तक पहुँच गयी। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।